बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कैपिटल बजटिंग का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर जो आज टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको इन शॉर्ट IRR भी कहा जाता है। तो देखें, नाम से ही जिस तरह पता चल रहा है, इंटरनल, इंटरनल का मतलब क्या है? क्या अंदरूनी मामला है कोई। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर कोई रिटर्न है, परसेंटेज फॉर्म में। रिटर्न का मतलब है जो इन्वेस्ट किया उस पर, और रेट मीन परसेंटेज फॉर्म में। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि आप इंटरनली कितना रिटर्न चाहते हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो सबसे ज़्यादा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज कैपिटल बजटिंग टेक्निक। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज डिस्काउंट रेट दैट इक्विट द एनपीवी ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विद ज़ीरो। विद ज़ीरो से मुराद क्या है कि विद ज़ीरो से मुराद ये है कि जहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इक्वल होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के, तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो। बिकॉज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो मिनिमम देखें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अगर आप बैंक की बात करें तो देखें, बैंक के पास भी अपना पैसा तो नहीं होता, बैंक भी लोगों के पैसे रखता है और आगे लोगों को पैसे लोन पे देता है। बैंक जो लोन लेता है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करता है, और जो लोन उसने दिया होता है उससे वो इंटरेस्ट रिसीव करता है। अब वो जो पैसा जिस पैसे जो उसने लोन लिया हुआ है उस पर जो रिटर्न देना है, तो और जो पैसा उसने लोन दिया उस पर जो रिटर्न लेना है, उसका जो गैप होगा वो उसका प्रॉफिट है। तो बैंक जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसने मिनिमम रेट अपना कैलकुलेट करना होता है कि इस पे मिनिमम इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। अगर आप बिजनेस की बात करते हैं, आपके पास कोई पर्सन आता है और आगे कहता है कि जी एक अपॉर्चुनिटी आई, पैसा इन्वेस्ट करें, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई इस पे क्या रिटर्न मिलेगा। इट्स मीन कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम उसका रेट आइडेंटिफाई करते हैं कि मिनिमम मुझे इसके ऊपर कितने पैसे चाहिए। वो जो मिनिमम हमने कैलकुलेशन की हुई है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और वो मिनिमम क्या है, जहाँ पर एनपीवी क्या होगी, जीरो हो जाए। इट्स मीन एनपीवी जीरो का मतलब क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इक्वल है, तो हम कम से कम इक्वल पे डिसीजन करेंगे, उससे नीचे पे डिसीजन नहीं करते। कहते इट इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट द फर्म विल अर्न इफ इट इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट एंड रिसीव द गिवन कैश इनफ्लो। Thus, in order to calculate IRR of any project, we try find out the discount rate at which NPV of the project cash flow will become zero. कि हम क्या करते हैं, उस परसेंटेज पे NPV निकाल लेते हैं जिस पे NPV zero आ जाए, तो उस परसेंटेज को हम क्या कह देते हैं, IRR, के मिनिमम ये रेट तो हमें रिक्वायर्ड है। आगे देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ IRR कैन बी कैलकुलेट बाय द हिट एंड ट्रायल मेथड। बेसिक तरीका कार क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड ही। वो क्या होता है कि देखें, जब आप किसी परसेंटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे किसी R पे R को बेस बना के जब NPV निकालेंगे तो हमारे पास NPV आएगी। अब अगर NPV पॉजिटिव होगी तो हम अपने R को इंक्रीज कर देंगे। R इंक्रीज करने से NPV की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हिट एंड ट्रायल से मुराद यह है कि अगर आप 10% पे लेते हैं, NPV पॉजिटिव आ गई, आपने 12 कर दिया फिर भी पॉजिटिव है, आपने 15 किया फिर भी पॉजिटिव है, आप 20 पे चले गए तो फिर नेगेटिव जीरो आया, तो हम कहेंगे कि ये 20 जो है ये आई रहा है। तो हिट एंड ट्रायल क्या है कि हमने पहले 10 फिर 12 फिर 14, तो ये एक से ज़्यादा परसेंटेज पे NPV कैलकुलेट किया, तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। बट प्रैक्टिकल लाइफ में डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आपने मैनुअली ये कैलकुलेट करना हो, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वी डोंट हैव मच टाइम टू अप्लाई डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स डिस्काउंट परसेंटेज अगेन एंड अगेन, देन वी फॉलो द स्टेप फॉर द कैलकुलेशन ऑफ IRR। तो हम क्या करते हैं IRR कैलकुलेट करने के लिए, सेलेक्ट एनी टू डिस्काउंट रेट, हम कोई से दो डिस्काउंट रेट खुद अज्यूम कर लेते हैं। मसलन 10-20 कर सकते हैं, 5-15 कर सकते हैं, 10-15 कर सकते हैं। तो जब हम दो डिस्काउंट रेट निकालेंगे, दो डिस्काउंट रेट होंगे हमारे पास, तो हमारे पास NPV भी दो कैलकुलेट होंगी। तो NPV कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे।
अब इस फार्मूले में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, एल एल का मतलब लो डिस्काउंट रेट। मसलन अगर हमने 10% लिया हुआ है और उधर से 15% लिया हुआ है, ये हमारे पास परसेंटेजेस आ गई। और फॉर एग्जांपल इस पे एनपीवी कैलकुलेट की तो इस पे 15 आ गई डॉलर और इस पे डॉलर आ गई -5। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो कह रहा है एनपीवी लो डिस्काउंट रेट, तो लो डिस्काउंट रेट तो ये आएगा, और एच का मतलब हाई डिस्काउंट रेट, तो वो यहाँ पर हाई डिस्काउंट रेट ये आ जाएगा। एनपीवी एनएल का मतलब एनपीवी ऑफ लो डिस्काउंट रेट। अब एनपी ऑफ लो लो डिस्काउंट रेट ये है, तो उसका एनपीवी देखें, लो एनपीवी तो आएगा हमेशा हाई पे, हमें लो एनपीवी नहीं लेना, लो डिस्काउंट रेट पे एनपीवी लेना है, ये कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एन एल आएगा, और ये क्या हाई एनपीवी ऑफ हाई डिस्काउंट रेट, ये हमारे पास आएगा एन एच आएगा। तो इस फार्मूले में जब इसको पुट करते हैं तो हमारे पास एक एस्टिमेटेड डिस्काउंट रेट आ जाता है, जिसपे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आई एल आर हमारे पास जीरो आएगा। बेस्ट मेथड तो यही है कि आपके पास जो डिस्काउंट रेट एक आए उस पे, एक पे एनपीवी पॉजिटिव आ रहा हो और एक पे एनपीवी नेगेटिव आ रहा हो, तो वो मोर रिलायबल रिजल्ट आते हैं। अब उसका तरीकेकार क्या होता है कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे एनपीवी निकालते हैं, अगर वहां पर पॉजिटिव आ रही होती है तो हम अपना एनपीवी परसेंटेज को हाई कर देते हैं, और अज्यूम करते हैं कि हाई करेंगे तो जाहिर है हाई करने से एनपीवी गिरेगा, तो हम समझते हैं कि इस पे अगर नेगेटिव आ जाएगा तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनपी वाले डिस्काउंट रेट यूज करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, यही एग्जाम्पल जो हम जिसपे हमने एनपीवी निकाला था, अब आईआरआरबी इसी पे निकालते हैं। दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए है एंड प्रोजेक्ट बी है, जीरो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 120 इधर 40, और ये हमें उसके कैश फ्लोज गिवन है। उसके बाद हमने कहा था कि हम अब टेबल यूज करेंगे, एनुइटी टेबल है, तो मैंने एनुइटी टेबल जो आपको सेंड किया है उसके दो हिस्से कर दिए हैं। यहाँ पर एक मैंने शो किया कि अगर 6-7% का टेबल दिया, 16-20 का एनुइटी टेबल दे दिया, उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ए है ये हमारे पास एनुइटी है। अब हमें हमें क्या करना है, कोई से दो डिस्काउंट रेट पे एनपीवी कैलकुलेट करनी है, तो हम सबसे पहले प्रोजेक्ट ए की कैलकुलेशन अगर करते हैं तो प्रोजेक्ट ए की कैलकुलेशन में जी, तो हम टेबल, हमने कहा था हम टेबल बनाते हैं ईयर का, ईयर के बाद हम टेबल बना लेते हैं कैश फ्लो का, कैश फ्लो के बाद हम डिस्काउंट फैक्टर, और फिर हम पीवी का, और यहाँ पर हमारे पास जीरो ईयर 1-5, तो जीरो ईयर के अंदर हमने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसमें जीरो ईयर के अंदर हमने 120 और 1-5 साल तक 40,000, तो ये पुट कर देते हैं। जीरो ईयर में 120 हमने इन्वेस्ट किया हुआ है और 1-5 साल के अंदर हमने $40 है, ठीक है। और इसके आप डिस्काउंट फैक्टर देखें, हम डिस्काउंट फैक्टर दो लेने हैं, तो पहले हम 10% पे ले लेते हैं। अगर हम 10% पे डिस्काउंट फैक्टर लेते हैं तो 10% एनुइटी में जाएंगे 10% और 5 ईयर की वैल्यू, तो ये 5 ईयर की वैल्यू आ रही, तो वैल्यू आ जाएगी 3.791। सॉरी, ये जीरो जीरो ईयर में हमेशा वैल्यू 1 आती है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 120 आ गया, और जब ये 5 ईयर में देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 3.791। 3.791 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 151.64। और अगर हम इसका एनपीवी कैलकुलेट करें तो ये एनपीवी कैलकुलेट होगा 31.64, ये हमारे पास एनपीवी कैलकुलेट हो गया, ठीक है जी, ये एनपीवी कैलकुलेट हो गया। अब ये हमने कहा था कोई से दो डिस्काउंट रेट अज्यूम करने, तो ये हमने 10 अज्यूम किया, अब 10 पे एनपीवी 31 आया, हमें ये कंफर्म है कि अब हम परसेंटेज को बढ़ाएंगे तो नेगेटिव साइड पे जा सकते हैं, तो हम सेकंड जो कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है, सेकंड परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हम कर लेते हैं 20% पे, फॉर एग्जाम्पल 20% पे, तो ईयर जीरो ईयर में हमारे पास जीरो ईयर है और 1-5 ईयर है, जीरो ईयर के अंदर हमारे पास 120 है नेगेटिव में, और उसका डिस्काउंट फैक्टर 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 120 आ जाएगा, 1-5 में 40 है। अब हमने 20% को लेना है, 20% को मेजर करना है 5th ईयर में,
तो ये देखें, ये हमारे पास 20% और ये ईयर, तो ईयर फार्मिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 2.991। तो 2.991, तो 40 को जब 2.991 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 119.6। अब जब एनपीवी कैलकुलेट करेंगे तो ये एनपीवी नेगेटिव आ रही है 0.4, ये आपके पास नेगेटिव एनपीवी आ गई जी। तो हमारे पास अब दो एनपीवी, लो डिस्काउंट रेट के ऊपर हमारे पास एनपीवी है 31, हाई डिस्काउंट रेट पर हमारे पास एनपीवी आई है -0.4। अब अगर इसको, अब ये दो हमारे पास कैलकुलेशन हो गई, अब इसको इस फार्मूले में पुट करना चाहें तो पुट कर सकते हैं हम, तो पुट करें। हमारे पास लो डिस्काउंट रेट था 10% प्लस एनएल की वैल्यू, हम नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं, 10% प्लस एनपीवी उसने दिया है, लो डिस्काउंट रेट पे हमें दिया 31.64, हाई पे उसने कैलकुलेट 31.64 माइनस, और ये माइनस मिलके आपस में क्या बन गए, प्लस, और ये बन गया हमारे पास 0.4, और मल्टीप्लाई करना है 20 माइनस 10। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 19.87%। तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास IRR कैलकुलेट हुआ। अच्छा, अब आप इसको हाइपोथेटिकली या जजमेंटल अप्रोच यूज करके ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ठीक है कि गलत है। तो यहाँ पर देखें अंदाजा, 10% पे हमारी वैल्यू थी 31 और 20% में हमारी वैल्यू आई 0.4। इट्स मीन कि ये 20 के पास पास कहीं पे आने थे, तो 19.87 हमारे पास आ गई, कैलकुलेशंस आ गई IRR। अब अगर प्रोजेक्ट बी को देखें तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट बी था। प्रोजेक्ट बी में देखें तो हमने $40 इन्वेस्ट किया था स्टार्ट में, और ये हमारे पास कैश फ्लोज हैं। अब ये हमारे पास मिक्स कैश फ्लो है, मिक्स कैश फ्लो के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू का टेबल लगाते हैं, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का टेबल है। अब इसकी कैलकुलेशन क्या करेंगे, उसी तरह टेबल बना लेंगे। पहला कॉलम हमारे पास ईयर का आएगा, सेकंड कॉलम जो हम लोग कैश फ्लो का बना लेंगे, थर्ड कॉलम जो है हम लोग देखें, दो डिस्काउंट फैक्टर लेने थे, एक डिस्काउंट फैक्टर ले लेते हैं 10%। जब 10% को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10%, और उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पर डिस्काउंट फैक्टर ऑफ, डिस्काउंट फैक्टर फॉर 20%, और देन फिर हम निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 20% पे। तो ये हम लोग कैलकुलेशंस कर लेंगे, अपनी डेटा पुट करते हैं। हमारे पास जीरो ईयर है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पर हमें कैश फ्लोस दिए हुए, सबसे पहले तो हम कैश फ्लो पुट करेंगे। ये कैश फ्लो दिए हुए हमें 40, 20, 10, 12, 10, 6, 9, ये पुट करेंगे। यहाँ पर हमें 40 की इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर हमें 20, 12, 10, 6 एंड 9, डिस्काउंट फैक्टर 10% पे, तो ये हमारे पास 10% है, तो इसकी वैल्यू ले लेंगे हम लोग, तो 0.909, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 0.909, 0.826751, 0.6583 एंड 0.621। और अगर 20% पे देखेंगे तो ये डेटा हम पुट करेंगे, 0.833, 0.833। सेकेंड अगर देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 20% पे आ रही है 0.694, 0.579, और उसके बाद 42.482, 0.402। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट वन हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 40, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 18.18, 9.92, 7.51, 4.10, 5.59। अब ये हमारे पास आ गए सारे के कैश इनफ्लोज, और ये हमारे पास आउटफ्लो, इसको इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.2987।
अब हमने सेकंड हैंड क्या करना है, इसको फिर कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करना है इन डिस्काउंट फैक्टर से, तो ये आ जाएगा 40। उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.67, 8.33, 5.79, 2.89 एंड लास्ट वन इज 3.62। अब अगर इनको सम अप करें तो ये कैश फ्लो, कैश इनफ्लोज को सम अप करके जब आउटफ्लो को लेस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.7 नेगेटिव में। तो ये हमारे पास एनपीवी कैलकुलेट हो गई। तो यहाँ पर भी देखें, लो डिस्काउंट रेट है 10%, उस पे एनपीवी आई है 5.2987, हाई डिस्काउंट रेट है 20%, उस पे एनपीवी आया हमारे पास 2.7 नेगेटिव। अब इसी डेटा को हमने आईआरआर के फार्मूले में पुट करना है। तो आईआरआर के फार्मूले पुट करेंगे तो लो डिस्काउंट रेट तो था हमारे पास 10% प्लस एनएल कितना दिया हुआ है 5.2987। तो यहाँ पर भी 5.2987 माइनस, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, प्लस 2.7 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 10%। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही 16.624। ये आईआरआर आ गया हमारे पास, कि ये वो परसेंटेज है जिस पे एनपीवी क्या आएगी हमारे पास, जीरो आएगी। अच्छा, इसको भी जज करना चाहते हैं कर लें। तो देखें, जब हमने लो पे कैलकुलेशन की तो 5 आया, हाई पे की 20 पे की तो 2.7 नेगेटिव आया। तो इसमें 10 और 20 के दरमियान में कहीं पे हमारे पास जीरो आना था, तो ये देखें 16 पे हमारे पास क्या आ गया, जीरो। अब अगर हमने डिसीजन क्राइटेरिया देखना है तो डिसीजन रूल क्या होगा, अगर तो कंपेयर करना है, अगर हमें कंपेयर करना है तो जिसका आईआरआर ज्यादा होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। जस्ट लाइक हमारे पास प्रोजेक्ट ए था एंड प्रोजेक्ट बी था। प्रोजेक्ट ए का आईआरआर हमारे पास निकला था, कैलकुलेट जो किया था हमने, 19.87। तो 19.87 ए का था और 16.88 बी का। अगर तो हमें यह है कि इसमें से किसी एक को एक्सेप्ट करना है तो प्रोजेक्ट ए इज बेटर एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट बी। और अगर हमें एक ही प्रोजेक्ट है फिजिबल देखना है कि हम इनमें से किसको एक्सेप्ट करें और किसको रिजेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करें, आईआरआर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो एक्सेप्ट। तो प्रोजेक्ट ए की बात करें तो उसका आईआरआर आया हमारे पास 19.87 और कॉस्ट ऑफ कैपिटल था हमारे पास 10%। तो इट्स मीन कि इस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम बी प्रोजेक्ट को देखें तो उसका आईआरआर हमारे पास आया 16.88 और कॉस्ट ऑफ कैपिटल था उसका हमारे पास 10%। तो हम प्रोजेक्ट बी को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोनों प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल हैं। अब अगर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखें तो देखें, सबसे पहला एडवांटेज तो इसका यही है कि कंसीडर कर रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बेस्ड ऑन द कैश फ्लो। ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया, कंसीडर द होल लाइफ कि जितना भी था ये पे बैक में डिसएडवांटेज था, यहाँ पर एडवांटेज है। परसेंटेज टर्म है, समझाना कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। और जो ड्रॉबैक था एक हमारे पास एनपीवी में, और वो था कि हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पता होना ज़रूरी है, यहाँ पर वो भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पता तो आप कोई से 2% अज्यूम करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बट इसके डिसएडवांटेज क्या है कि एब्सोल्यूट मेजर्स में होता है और इंट्रापोलेशन ओनली प्रोवाइड एस्टिमेट। अगर एक्स्ट्रापोलेशन होगा तो अब ये इंट्रापोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, विद इन द रेंज और आउटसाइड द रेंज। बस इसलिए मैंने कहा कि हम वो लेते हैं कि एक एनपीवी वो लेते एक वो परसेंटेज जिस पे एनपीवी पॉजिटिव आती है और एक वो ले लेते हैं जिस पे एनपीवी नेगेटिव आती है। तो इसके दरमियान में अगर आपके पास एस्टिमेशन आएंगी तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगी एज कम्पेयर टू अगर आप आउटसाइड द रेंज चली जाती हैं। फेली कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू एनपीवी और पे बैक। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो में गिवन राइज टू मल्टीपल आईआरआर। नॉन गिवन कैश फ्लोज क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था। कन्वेंशनल कैश फ्लोज होते हैं कि अगर स्टार्ट ऑफ द पीरियड में जब बिजनेस स्टार्ट किया आपने आउटफ्लो किया और उसके बाद आपके पास रेगुलर इनफ्लोज आ रहे हैं।
अगर कभी इनफ्लोज के दरमियान में भी कोई आउटफ्लोज आ जाए किसी ईयर के अंदर, तो उसको नॉन कन्वेंशनल कहते हैं, एक रीजन। दूसरी रीजन, दूसरा नॉन कन्वेंशनल हो सकता है कि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास स्टार्ट ऑफ द पीरियड में बेनिफिट ज्यादा होता है और आस्ते आस्ते बेनिफिट कम हो रहा होता है। मसलन आप बाइक खरीदेंगे तो स्टार्ट ऑफ द ईयर्स के अंदर उसका बेनिफिट ज्यादा होगा और आस्ते आस्ते बेनिफिट कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में प्लांट है तो स्टार्ट ऑफ द पीरियड में प्लांट का बेनिफिट ज्यादा होता है, आस्ते आस्ते उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट निकलना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए जिसके कैश इनफ्लो स्टार्ट में कम है और आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं, तो उसको भी हम नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज कहते हैं। इस केस में हमारे पास IRR 1 से ज्यादा आ सकते हैं। और इसी तरह कहता है, इट गिव्स द कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट विद द एनपीवी, कि सम टाइम IRR के रिजल्ट में और एनपीवी के रिजल्ट में कन्फ्लिक्ट आ जाता है। मसलन हम एनपीवी को देखते हैं, एनपीवी को देखा तो वो कहता है कि आपको प्रोजेक्ट ए एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने IRR को देखा तो वो कहता है कि हमें प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हम फिर क्या करेंगे? तो देखें, अगर ऐसा केस होगा तो हम IRR को रिजेक्ट करेंगे और एनपीवी को एक्सेप्ट करेंगे। रीजन कि अगर हम IRR को एक्सेप्ट करते हैं तो इट्स मीन कि हमने ये समझा कि एनपीवी गलत है। तो भाई अगर एनपीवी गलत है तो हाउ इट पॉसिबल कि IRR ठीक होगा, क्योंकि IRR तो कैलकुलेट ही एनपीवी की बेस पे होता है। तो इस केस के अंदर हम एनपीवी को प्रेफर करते हैं IRR के ऊपर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास जब क्राइटेरिया आएगा कैलकुलेशन का, तो हम एनपीवी को कंसीडर करेंगे सबसे टॉप पर। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।